जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र संस्कारधारी एमपी ऑनलाइन की दुकान में देर रात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए 80,000 नगद रुपए लूट लिए। दुकानदार उस समय अपनी दुकान में अकेला था। बदमाश अपने साथ हथियार लेकर आए थे। पिस्तौल दिखाकर बदमाशों द्वारा पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वहीं दुकानदार द्वारा पूरे मामले की शिकायत माड़ोताल पुलिस से की गई है, जिसके बाद पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान करते हुए राहुल रेखवार और सिकंदर नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं एक आरोपी चंडाल भाटा इलाके का रहने वाला था, वहीं दूसरा महाराजपुर इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। देखिए, कल रात को मैं यहाँ पर अकेला था, तो मेरे साथ एक्चुअली मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं, तो मेरे पास दो कस्टमर आए जो कि अज्ञात पर्सन जिन्होंने यहाँ पर चोरी की घटना की है। तो यहाँ पर उन्होंने आके मुझसे बोला कि मुझे 10,000 रुपये विड्रॉ करना था, तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने सडनली मेरे ऊपर गन तान ली और उसके ऊपर मुझे डराया धमकाया कि आपके पास जो भी पैसे रखे हुए हैं, जितने भी पैसे वो निकाल के दो। उसके बाद पूरी दुकान में तोड़फोड़ की, पूरा यहाँ पर सारा डॉज वगैरह मेरे खोले, मुझसे कैश पैसे लिए मेरे हाथ, मतलब जेब से निकाल के लिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूरा तोड़फोड़ की, पूरा सिस्टम वगैरह तोड़ दिया। तो मैं यही कहूँगा कि ये मतलब काफ़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे जो एमपी ऑनलाइन संचालक या सीएससी संचालक, उसके साथ ही मैं यूट्यूबर भी हूँ एक, तो यहाँ पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे में हम लोगों को इनसिक्योरिटी होगी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं हूँ एमपी ऑनलाइन संचालक, ऐसे सभी एमपी ऑनलाइन संचालक के पास इतना कैश तो रहता है कि उनको इस तरह की इनसिक्योरिटी अगर रहेगी तो वो आगे जीवन में अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और इस तरह की अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी। और मुझे इस चीज़ से मतलब बहुत ही एक अफसोस हुआ है कि मेरे साथ जो चीज़ हुई है वो किसी और के साथ ना हो, तो इसको लेके एक अच्छी कार्रवाई की उम्मीद मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन से और आप सभी लोगों से करता हूँ। आरोपियों के कुछ नाम आरोपियों के नाम एक्चुअली पुलिस के द्वारा जो बताए गए हैं, एक राहुल रेखवार हैं और दूसरे का नाम कुछ सिकंदर करके बताया गया है, तो दोनों भी यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से एक जो आरोपी हैं ये चंडाल बैठा दमोनाका में रहते हैं, उसके अलावा एक जो जिनके पास पिस्टल था वो महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से बताया जा रहा है। ऐसा कारण क्या लगता है लूट के इरादे से? कारण तो सर लूट के अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि शायद किसी ने उनको मतलब एक रैकी करके या किसी तरह से बोलते हैं कि सुपारी देके भेजा हुआ था कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन लीक की थी कि यहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा या इस तरह से, तो मुझे इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा डाउट है। मेरा नाम अंकुर साहू है। ये भी सामने आ रहा था कि फायरिंग वगैरह हुई है, क्या मामला है और कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये ITI के सामने एमपी ऑनलाइन अंकुर साहू की दुकान थी, वो अपनी दुकान में काम कर रहे थे। उसी समय दो लड़के आए उनके पास और उन्होंने कहा कि हमें 100 रुपीज़ निकालना है करके। उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ, दोनों ने मुँह बांध रखे थे। फिर वो अंदर जाते ही उसके ऊपर अटैक कर दिए और बोले तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम दो, एक ने चाकू रख रखा था और एक ने आम कट्टा रख रखा था। फिर उसने अपने जेब से उसके पास जितने पैसे थे 1,000-1,500 जो भी थे वो उसको दे दिए। फिर वो वहाँ तलाशी वगैरह लिए और हवाई फायर किया, एक दूसरे व्यक्ति जिसके पास कट्टा था उसने हवाई फायर किया, और जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो भागते हुए वो हवाई फायर करते रहे और उनके पास उनका जो सामान वगैरह था सब तितर बितर कर दिए, क्योंकि वो पैसे ढूंढ रहे थे। और पुलिस ने तत्परता से वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई हम लोगों के द्वारा, तो उनके द्वारा एक टीम बनाई गई जिसमें तत्परता से तत्काल दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। और एक आरोपी है सिकंदर जो कि चंडाल भाटा का रहने वाला है, इसका आरोप इसके कई सारे अपराधी हैं गोहरपुर थाना क्षेत्र में। और दूसरा है फिरदी उर्फ राहुल, इसका इसको आधारताल से पकड़ा गया है और आधारताल थाना क्षेत्र में इसके लूट और चोरी के 2-3 प्रकरण हैं और बाकी और थाना क्षेत्र में भी इनके प्रकरण हैं। तिर्री से एक कट्टा बरामद हुआ है और घटना स्थल से जो इसने फायर किया था खाली खोखा भी बरामद हुआ है और तत्काल उसमें एक राउंड उसमें लोड भी था, जब्त कर लिया गया है और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और घटना में जो उनने प्रयुक्त किया था मोटरसाइकिल वो भी सीज कर ली गई है। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।